आज हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन पार्ट टू। हम लोगों ने पार्ट वन में दो रूल्स को किए थे, आज हम लोग रूल नंबर थ्री से आगे कंटिन्यू करते हैं। इन, इनटू, विद इन, इनसाइड, ये चार प्रेपोजिशन का प्रयोग हम कैसे करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस को फाइट करते हुए। तो लेट्स मेक अ ग्रुपिंग इन दिस मैनर। जैसे मैं बनाते जा रहा हूं, जो इन वीडियो को आप देख रहे हो, आप भी अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। इन, इनटू, इन दोनों शब्दों का अर्थ मे शब्द से जोड़ते हुए, ऑब्जेक्ट को जोड़ते हुए किया जाता है। विद इन, इनसाइड, इन दोनों शब्दों को जोड़ते हुए आप के अंदर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो और उसी के अनुसार आप लिखते हो। इसको जोड़ते हुए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पहला पॉइंट, इन इज यूज्ड with inactive actions, जिन्हें हिंदी में लिखना है। ध्यान से रखिएगा कि मैं जो कुछ भी रूल इंग्लिश में लिखूंगा उसका हिंदी अनुवाद जरूर करूंगा। आप इन हिंदी अनुवाद को तभी लिखोगे if you at all require it, अगर आपको जरूरत है हिंदी में समझना तो ही लिखोगे। अगर इंग्लिश में समझ में आ जाए वेरी वेरी गुड, farewell, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इन इज यूज्ड विद इनएक्टिव एक्शंस। इनएक्टिव एक्शंस के साथ हम इनका प्रयोग मे शब्द से ऑब्जेक्ट को जोड़ते हुए करते हैं। इनटू इज यूज्ड Into is used with active actions. Into का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम क्रियाओं में गति प्रदान करते हैं और उसी गति को महत्व देते हैं, तब हम आगे की ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए उन्हें into के साथ प्रयोग करते हैं। Within is used to express rest inside with time and open areaed spaces. तो within का अर्थ क्या निकला कि within का अर्थ हम के अंदर का मतलब देते हुए जब हम समय के साथ जोड़ना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर खुले आसमान के नीचे कोई स्थान की बात किया जाए तो उनके अंदर का अर्थ देते हुए हम विद इन का प्रयोग कर सकते हैं। तो विद इन इज यूज टू एक्सप्रेस रेस्ट इनसाइड विद टाइम एंड ओपन एरिया स्पेसेस। Inside is used to express rest inside with closed door spaces. तो कहते हैं कि inside का प्रयोग हम के अंदर का अर्थ देते हुए तब करेंगे जब हम बात किसी ऐसे स्थान की करें जो चार दीवारी में बंद हो, तो that is what we call to use it for inside. So let's go do some examples and see how it works in terms of competitive level. Competitive level में इस प्रकार के prepositions का प्रयोग कैसे किया जाता है? Let's say for example आपसे पूछा जाए,
वी एक्सपेक्ट दैट द एनुअल फंक्शन will be held dash the college campus. अब मानिए कि यहां पे आपके ऑप्शन दिया हुआ है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस इन टू में दिया हुआ है, एट थ्री में दिया हुआ है, इनसाइड फोर में दिया हुआ है, विद इन. सो व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आइडिया करते हैं कि हमें ये आशा, हम ये आशा कर सकते हैं, आशा किया जाता है, वी एक्सपेक्ट दैट द एनुअल फंक्शन, वार्षिक प्रोग्राम अनुष्ठित किया जाएगा कॉलेज कैंपस में या कॉलेज कैंपस के अंदर. ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा. तो इस जगह में अगर में हो तो आप इन और एट का प्रयोग कर सकते हो. के अंदर का मतलब लेते हुए इनसाइड और विद इन में से किसी एक को कर सकते हो. तो दिमाग में आना चाहिए कि कैंपस एक ऐसा शब्द है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस विद इन द कॉलेज, यानी कॉलेज के अंदर ही होता है. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कॉलेज कैंपस में एनुअल फंक्शन किया जाएगा, ऐसा आशा किया जा रहा है, तो कैंपस अंदर होने के कारण अंदर को अलग से दर्शाने की और जरूरत नहीं है. इट मीन्स इनसाइड और विद इन का कोई फंक्शन नहीं रहा. एंड दैट केस आपको कॉलेज कैंपस में बताते हुए इन और एट में डिफरेंस करते हुए हम आगे के रूल में देखेंगे कि इन दोनों के अंतर कैसे किया जाता है. कि जब कभी भी ऐसा कोई स्थान बताए जो गांव से छोटा हो, तब उन्हें तुलनात्मक रूप में यह देखा जाता है कि उसकी कल्पना करते ही आपको किसकी आकार बड़ा लगता है या छोटा. अगर ऐसा लगता है बड़ा तो उसे हम इन से जोड़ेंगे, और छोटा लगता है तो एट से जोड़ेंगे. तो कॉलेज कैंपस में आप एक एनुअल फंक्शन करने जाओगे तो वो स्थान आपको कल्पना करते ही बड़ा दिखेगा. इसी मीन्स यू कैन नॉट यूज एट द कॉलेज कैंपस, इफ द बेस्ट ऑप्शन इज इन द कॉलेज कैंपस. तो वी एक्सपेक्ट दैट द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड इन द कॉलेज कैंपस. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच नॉर्मली यू कैन गेट इट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ये कई बार पूछा भी गया है. लेट्स से एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सवाल है, द न्यूज स्प्रेड डैश द कंट्री इन अ फ्लैश. आपके ऑप्शन में दिया है इन, इनटू, इनसाइड, विद इन. एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, कैसे काम होता है इसका. तो कहता है कि खबर फैल गया. ये फैल गया बताते हुए ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक फैल गया गति प्रदान आ रहा है, गति का एक भावना आ रहा है. तो फैल गया देश भर में, तो मैं आप शब्द को में शब्द से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पलक झपकाते ही, इन अ फ्लैश. तो ये जब अर्थ जोड़ते हुए हम देखा कि क्रिया तो मोशन दिया, लेकिन क्रिया को मोशन देने के बाद भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना इम्पोर्टेंस इस कंट्री शब्द को, इस ऑब्जेक्ट को दिया कि कहाँ फैल गया. तो देश भर में फैल गया बताते हुए ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देकर इस मोशन को निष्क्रिय कर दिया.
इट मीन्स यू कैन नॉट यूज इन टू एज एन ऑप्शन ओवर हियर। तो इस जगह में हम मे का साउंड देते हुए इन टू का प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो तब दिमाग में आएंगे कि जिसके लिए आप यूज कर रहे हो द ऑब्जेक्ट दैट हैज बिन गिवन द इम्पोर्टेंस विद इन द सेंटेंस, इस वाक्य के अंदर में जिसे अहमियत दिया गया है वो एक स्थान से संबंधित शब्द है, प्लेस, कंट्री, प्लेस। तो इस कंट्री शब्द को, प्लेस को हम सोचेंगे कि इट्स अ ओपन एरिया प्लेस या इट्स अ क्लोज डोर स्पेस। तो देखेंगे कि कंट्री तो ओपन एरिया ही हो सकता है, ये क्लोज डोर का कोई भावना इसमें नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव इज इनसाइड। नाउ यू हैव गॉट इन एंड विद इन। तो देश भर में फैल बात करते हुए कि आपको दिमाग में आना चाहिए कि पलक झपकाते ही देश भर में फैल गया, तो ये क्या देश बताते हुए, इज इट गोइंग बियॉन्ड द कंट्री, क्या देश को पार करके भी जा रहा है कि दुनिया भर में, तब तक देश को पार करेंगे तो दुनिया भर में कहेंगे, तो ऐसे जगहों में हम दुनिया भर के नहीं कह रहे, तो वी आर सेइंग कि देश भर में, इसका मतलब देश के अंदर तक सीमित है। तो ये के अंदर का एक सेंस इसके बीच में से आने लग गया, तो ऑटोमेटिकली मे का काम नहीं होंगे, दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव इन। इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी विद इन। तो आपके बेस्ट आंसर होंगे द न्यूज स्प्रेड विद इन द कंट्री इन अ फ्लैश। तो इस सवाल का उत्तर ये आएंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कहता है कि अ कार कोलाइडेड अ ट्रक एंड फ्लाई डाउन डैश द वैली एंड कॉट फायर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो कहते हैं गाड़ी एक ट्रक से जाके टकराया, फिर उड़ते हुए जाकर वादियों में गिरा। तो इसमें एक मे साउंड आ गया, वादियों में गिरा और आग लग गया। तो इस मे साउंड को देखते हुए अब अल्टीमेटली देखना चाहोगे कि ये वादियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, आग को दिया है, टकराने को दिया है, या उड़कर जाके वादियों में गिरते हुए इस उड़ने वाले जो क्रिया है फ्लाई डाउन, इस फ्लाई डाउन को लगाते हुए क्या इसने कोई मोशन पैदा की। तो दिमाग में आएंगे हाँ, उड़ते हुए जाके वादियों में गिरा और आग लग गया, ये बताते हुए आपने जो गति प्रदान की, इस गति को लाने के लिए मे शब्दों के लिए द बेस्ट ऑप्शन कम्स इज इन टू। तो यहाँ पे अगर आपको यूज करना हो द बेस्ट वर्ड विल बी इन टू। तो सेंटेंस बनेंगे अ कार कोलाइडेड अ ट्रक एंड फ्लाई डाउन इन टू द वैली एंड कॉट फायर। तो इस हिसाब से वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस विद इन द सेंटेंस। ओके, तो ये है आपके रूल नंबर 3। अब आते हैं रूल नंबर 4। On, upon, over, above. पहला पॉइंट, on is used with inactive actions. जिन्हें हिंदी में लिखना है लिख ले कि ऑन का प्रयोग हम इनएक्टिव एक्शंस के साथ करते हैं।
ऑन इज यूज विथ इनएक्टिव एक्शंस, इसका मतलब है ऑन का प्रयोग हम इनएक्टिव क्रियाओं के साथ कर सकते हैं जब क्रिया निष्क्रिय रूप में हो. अपॉन इज यूज्ड विथ एक्टिव एक्शंस, और कहता है कि अपॉन का प्रयोग हम तब करेंगे जब क्रिया सक्रिय हो. और यहां पे एक छोटा सा नोट भी दिया जा रहा है इन दोनों पर आधारित, और वो नोट ऐसा कह रहा है कि ऑन अपॉन का प्रयोग, ऑन अपॉन इज यूज्ड इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव टच विथ ईच अदर. ये बेसिक पॉइंट है, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि ऑन अपॉन का प्रयोग तब किया जाएगा जब आपके दोनों वस्तु जींस के ऊपर जिस पर, क्योंकि इन दोनों का मतलब हिंदी में आप कौन से शब्द से जोड़ोगे, एक है पर और एक है के ऊपर, तो इन शब्दों से जोड़ते हुए हम इनका प्रयोग करेंगे. तो तब जाके सबसे पहले देखना पड़ता है कि दो वस्तु जिनके ऊपर जिन पर बताते हुए आप जोड़ रहे हो, दोनों के बीच में टच होना कंपलसरी है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहता हूं कि टेबल पर किताब है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए टेबल पर किताब, यानी टेबल और किताब इन दोनों के बीच में पर शब्द से जोड़ा गया है. क्या इन दोनों के बीच में कोई टच है, तो दिमाग में आएंगे बिल्कुल है, तो इसका मतलब ऑन या अपॉन में से कोई एक जोड़ा जाएगा. तो तब वाक्य में क्रिया की सेंस देखो कि एक्टिव है या इनएक्टिव. अगर टेबल पर किताब है तो क्रिया में कोई एक्टिवनेस नहीं है, तो इट मीन्स द वर्ब इज इनएक्टिव एंड द बेस्ट ऑप्शन टू यूज इज ऑन. दैट इज द रीजन द सेंटेंस बिकम्स द बुक इज ऑन द टेबल. तो इस तरह से हम उनका प्रयोग करते हैं. इन द सेम वे कहते हैं कि इनका प्रयोग होते हुए, ऑन अपॉन का प्रयोग करते हुए, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट बोथ द ऑब्जेक्ट शुड हैव अ टच विथ ईच अदर. ओवर एंड अबव, ओवर इज यूज्ड, ओवर का प्रयोग किया जाता है विथ एक्टिव एक्शंस. एक्टिव एक्शंस के साथ आप ओवर का प्रयोग करते हो. अबव इज यूज्ड विथ इनएक्टिव एक्शंस व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ अ बार. When there is a sense of a bar, इसका अर्थ होता है कि अबव का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपके क्रिया होंगे निष्क्रिय और साथों साथ जिस चीज के ऊपर है उन दोनों के बीच में एक ऐसा एहसास होगा जैसे कोई सीमा का बात किया गया हो. सीमा, बॉर्डर लाइन, ऐसा कोई सीमा पार, ऐसा कुछ आपको दिखे उसके ऊपर का मात्रा देते हुए आप ओवर का अबव का प्रयोग कर सकते हो. तो इसका मतलब होता है कि ओवर और अबाव का प्रयोग हम के ऊपर के लिए तब करते हैं जब दोनों के बीच में, सो देयर इज अ स्मॉल पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा, ओवर एंड अबाव इज यूज्ड वंस the object has no, once the objects have no physical touch. Mental touch can be possible, but physical touch नहीं होना चाहिए. तो ओवर एंड अबव का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल टच नहीं रहना चाहिए, बट दिस शुड हैव गॉट अ फिजिकल टच.
ये होना चाहिए। एक फिजिकल टच हो या मेंटल टच हो इसमें तो वो होना चाहिए, लेकिन इसमें मेंटल टच हो लेकिन फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, तो वो सेंस आपको ध्यान में रखना है। एंड एट द सेंस वंस यू यूज के ऊपर का मतलब देते हुए, जैसे लेट से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि प्लेन पर्वत के ऊपर से जा रहा है, तो प्लेन और पर्वत के बीच में गैप है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टच, तो ऑटोमेटिकली एक स्थिर है पर्वत, बट द प्लेन इज इन मोशन, इसका मतलब जा रहा है, दैट मीन्स यू कैन नॉट कीप एनीथिंग लेस देन एन एक्टिव एक्शन। तो एक्टिव एक्शन हो जाने के कारण यू कैन नॉट यूज अबव एनी मोर, सो द बेस्ट ऑप्शन बिकम्स ओवर एंड द सेंटेंस हो जाता है द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, दिस इज बेसिक नियम। लेकिन लेट्स फॉर इंस्टेंस आपको कह रहा है कि कल रात बारिश के बाद पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर नॉर्मल से ऊपर चला गया, तो ऐसे जगहों में नॉर्मल इज दी सीमा, उसके ऊपर चला गया, दैट मीन्स क्रिया भी स्थिर, एंड एट दैट एंड यू कैन नॉट यूज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अबव, अबव के अलावा और कोई भी शब्द आप यूज नहीं कर सकते, एंड द सेंटेंस विल बिकम द वॉटर लेवल रेज्ड ओवर अबव बाय, दे विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो द ऑप्शन विल बी अबव 2 सेंटीमीटर फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर द रेन लास्ट नाइट। तो दिस इज द वे यू कैन हैव क्वेश्चंस लाइक दिस, इनका बेसिक्स ये कहता है। अब इनके एक्सेप्शंस में चलते हैं और एक्सेप्शंस के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। एक्सेप्शन स्पेशली फॉर ओवर, कि ओवर का प्रयोग हम और किस किस तरीके से कर सकते हैं, सो यू कैन यूज ओवर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी टू एक्सप्रेस द एंड ऑफ एन एक्शन, यानी किसी क्रिया का अंत अगर आप करना चाहते हो, यू कैन यूज ओवर टू डू सो। ओवर इज यूज टू एक्सप्रेस द एंड ऑफ एन एक्शन, किसी क्रिया का अंत बताते हुए आप ओवर का प्रयोग कर सकते हो। सेकंड, ओवर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस excessiveness excessiveness of an action, किसी कार्य की अतिरिक्तता बताते हुए you can use the term over। जैसे कोई किसी को irritate करता है और वो क्रिया अगर ज्यादा करने लग जाए, you can use over to express the term। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। Over can also be used with age in normal, normally, आम तौर पर हम ज्यादा उम्र को बताते हुए ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, बट अबव इज यूज्ड विथ एज, उम्र के साथ तब किया जाता है अबव, व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ अ बार, यानी जहां अब मुझे उम्र की सीमा एहसास हो वहां मैं अबव का प्रयोग करूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 18 साल के ऊपर होने पर कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति वोट देने के लायक बनता है, सो यू कैन यूज सेंटेंसेस लाइक दिस, इन दैट केस दैट यू आर एंटाइटल्ड टू वोट वंस यू आर -18।
देखा जाता है कि 18 साल के ऊपर तो ये तो संविधानिक बात है, इट्स अ कानूनन बात है, दैट मीन्स इट्स अ सीमा कि 18 साल जब तक ना हो तब तक आप वोट नहीं दे सकते। उसके ऊपर का अर्थ देते हुए यू कैन यूज द वर्ड अबाव विथ एज, यानी यू आर एंटाइटल टू गिव वोट वंस यू आर अबाव 18, वहाँ आप ओवर 18 नहीं कह सकते। एंड लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए कि पापा ने मुझसे कहा कि मैं 25 साल के ऊपर हो जाऊंगा तो मुझे बाइक देंगे, सो इन दैट केस यू कैन नॉट यूज दैट माय फादर सेड दैट ही विल गोइंग टू गिव मी अ बाइक वंस आई एम अबाव 25, वहाँ आप नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज संवैधानिक बात नहीं है, ये इट मे चेंज, पापा का मन बदल सकता है, कह सकता है मैं 26 साल हो जाए 30 साल हो जाए उसके बाद दूंगा, सो इट कैन चेंज बट दिस कैन नॉट चेंज, दिट्स फिक्स्ड 18 ईयर्स, तो इसका मतलब ये संवैधानिक है, यू कैन नॉट यूज ओवर इन दैट केस। तो जो भी हो तो बेसिक थ्योरी यही कहता है कि इस प्रकार की सेंस को डालते हुए हम लोग कर सकते हैं। सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स, इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में अगर कुछ एग्जाम्पल्स किया जाए। I'll not allow you to fire the gun by putting it dash my shoulder. लेट्स से फॉर ऐसे सवाल आ जाए कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा गन फायर करने के लिए उसे मेरे कंधे पर रखकर, तो ये बताते हुए एक कंधा और बंदूक अगर आप चलाओगे तो बंदूक के साथ कंधे का स्पर्श टच फिजिकल टच जरूर रहेगा। इट मींस यू कैन नॉट यूज ओवर एंड अबाव इन दिस केस, ओवर माई शोल्डर या अबाव माई शोल्डर यू कैन नॉट यूज इट इन दैट केस, आपके ऑन और अपॉन में से कोई एक आएगा। तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ऑन और अपॉन में ये जो टच का मतलब देते हुए यू हैव टू चेक वेदर द वर्ब इज एक्टिव और इनएक्टिव, वेदर द वर्ब इज गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आई विल नॉट अलाउ, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा गन को चलाने के लिए मेरे कंधे पर रखकर, तो इसमें मतलब आपके दिमाग में आ रहा है कि सब चलाओ आप, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अलाउ किस चीज को नहीं करेंगे, मेरे कंधे पर रखकर, यानी योर शोल्डर माई शोल्डर जो टर्म ओवर हेयर यूज किया गया ऑब्जेक्ट में, इट हैज बिन गिवन द इम्पॉर्टेंस। अगर इसे इंपॉर्टेंस दे दिया तो क्रिया ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो गया, अब निष्क्रिय होने के कारण आप अपॉन नहीं यूज कर सकते। सो द बेस्ट ऑप्शन कम्स इज आई विल नॉट अलाउ यू टू फायर द गन पुटिंग इट ऑन माई शोल्डर, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू यूज इन दिस केस। ऐसे सवाल कई बार पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल If you are dash a bridge dash a river it gives a delightful pleasure to see
the nature. Let's say for example, इस तरह से आपसे पूछा जाए जिसमें आपके double options use किया जा रहा है and the options are given as on, upon, one, two, upon, over, number three, on, over, number four, over, upon. Let's say for examples like this, I've been given as an option to this particular question. तो कहते हैं कि आप अगर किसी ऐसे ब्रिज पर हो जो कि किसी नदी के ऊपर है, इट गिव्स अ डिलाइटफुल प्लेजर, ये आपको इतने खुशी देंगे, एहसास करवाएंगे धरती का, प्रकृति का, तो वो बताते हुए इफ यू आर डैश अ ब्रिज, तो आप ब्रिज पर हो, तो ब्रिज और आपके बीच में एक संपर्क है, उस पर आप खड़े हो, तो उसमें आप ऑन और अपॉन जैसे शब्दों को लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज ओवर इन दैट केस, तो चौथा निकल जाएगा. तो इसका मतलब ऑन और अपॉन में से बताते हुए अगर आपके खड़े होने वाले क्रियाओं में कोई गति है तो अपॉन आएगा, नहीं तो ऑन. तो क्रिया में आप अगर खड़े हो, यानी आप अभी खड़े नहीं हो, यू आर जस्ट अज्यूमिंग, तो इसका मतलब क्रिया में गति प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यू कैन रिमूव अपॉन. द बेस्ट ऑप्शन बिकम्स इफ यू आर ऑन अ ब्रिज. अब ये ब्रिज क्या है, नदी के ऊपर है, जबकि नदी और ब्रिज में कोई संपर्क नहीं होता है, तो देखा जाता है ब्रिज तो स्थिर है पर नदी तो बहता रहता है, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज इन एक्शन. सो जहां पे अगर गति प्रदान दिखे, यू कैन नॉट यूज, क्योंकि सेकेंड सेंस में आप समझ ही सकते हो कि यहां पे और आप और किसी को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव गॉट एनी टच. जबकि हम लोग जानते हैं नदियों के ऊपर ब्रिज के कई सारे खंभे होते हैं, लेकिन बट स्टिल अगर इसके सेंस को समझे तो नदी के ऊपर ब्रिज, यानी ब्रिज दो एंड्स को जोड़ते हैं, नदी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए. मेंटली फिजिकली तो हम लोग टच करवाते हैं टू मेक इट स्टैटिक, स्ट्रांग हो जाए, वो अलग बात है, बट द बेसिक सेंस इज अ ब्रिज एंड अ रिवर हैज गॉट नो टच विद इन देम. तो वट एवर द थिंग, तो इस जगह में हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो हमें टच ना होने के कारण अबव या ओवर में से कोई एक लगाना पड़ेगा, तब जाके मुझे अगर यह एहसास हो जाए कि इसमें एक गति प्रदान करने वाला ऑब्जेक्ट है, तो आई कैन नॉट यूज अबव, द बेस्ट ऑप्शन बिकम्स ओवर. तो इस जगह में आपके ओवर लगाने का उत्तर बता सकते हो, एंड योर आंसर बिकम्स थ्री. सो दैट इज द वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. इफ यू आर ऑन अ ब्रिज ओवर अ रिवर, it gives delightful pleasure to see the nature. So this is how you can answer such questions whenever it comes in competitive examinations. Mera kehne ka arth itna hi hai ki jo kuch bhi aapne abhi dekha hai is board mein maine likha hai, sare cheezon ko aapko samjhaya hai, make sure ki aap isko practice zarur kijiyega. Jahan kahi bhi dikkat aaye, you are most welcome to get in touch with our website www.shriramedia.com, aur wahan jaakar ab aapne मैसेजेस छोड़ सकते हो, सवालों को पुट कर सकते हो, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम. वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय वैपूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है. जय श्री राम. आंसर की जल्दी लगानी है.
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेंच ऑफ प्लान, शानदार तालियां लौड़ी से तुम लोग बजा सकते हैं। मेरे पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने और जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके विजय के भी।